जय। आजादी महाराज की जय। भारत माता की जय। देव नारायण भगवान की जय। आज ग्राम पंचायत बड़ला में लोकार्पण समारोह और शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में विराजमान सम्मानित हमारे कोटली के लाडले प्रधान आदरणीय कर्ण सिंह जी बेलवा साहब, हमारे जाटपुर विधानसभा के वरिष्ठ नेता भीष्म पिता आदरणीय कन्हैयालाल जी जाट साहब, सम्मान्य हमारे कोटड़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद जी सेन साहब और हमारी कोटड़ी पंचायत समिति के लाडले उप प्रधान जी आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, सम्मान्य हमारे पावड़ी के मंडल अध्यक्ष जी अशोक जी शर्मा साहब, सम्मान्य हमारे इस क्षेत्र से केंद्रिया के और इस कॉमन सीआर क्षेत्र के आदरणीय सीआर प्रतिनिधि आदरणीय भवन सिंह जी साहब, सम्मानीय हमारे सभी इस कार्यक्रम में विराजमान गोपाल जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम मेरा सभी का, एक साथ सम्मानित गोपाल जी, सम्मानित गोपाल जी और यहाँ के हमारे लाडले जिन्होंने आपको और हम सबको आपके दर्शन करने का मौका दिया, ऐसे हमारे लाडले और विकास पुरुष आदरणीय भाई शिवजी जी सरपंच साहब, सम्मान्य हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, सम्मानित मंच सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विगत 15 साल से जो अभी प्रधान जी कह रहे थे हमारे क्षेत्र का विकास रोका है, उसका एक ही कारण है, उनका दोष नहीं है, हमारे इस क्षेत्र से इन पंचायतों से तो आप पहले भी भाजपा में रहे थे और हमेशा भाजपा में हो, आपका दोष नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी पंचायतें हैं जो उन लोगों को इस सीट में बिठाने का काम उनका किया, तो दोष उनका नहीं, दोष हमारे जनता का भी दोष है। विकास का पैसा ये न प्रधान जी का, न मेरा, न सरपंच साहब का, ये पैसा आपका है और ये पैसा कैसे आता है, जनता से सरकार टैक्स लेती है, वो टैक्स का पैसा वापस प्रधान के कोटे में, विधायक के कोटे में, सरपंच के कोटे में सरकार वापस डालती है, आवंटन करती है, ये पैसा आपका है, जनता की जो भावना है, जनता की भावना के अनुसार हम हमारी जो टीम भारतीय जनता पार्टी टीम के निर्णय के अनुसार हम जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जनहित के काम है, भगवान की धर्मशाला बनानी है, कोई विद्यालय की चार दीवारी बनानी है, अस्पताल में कमरा बनाना है, स्कूल में कक्षा कक्ष बनाने हैं, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। आज सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं जिस तरह आपने हमारा मान सम्मान किया, मैं भरोसा दिलाता हूं चारण माता के स्थान में इसी तरह हम जीवन भर आपकी सेवा करने का काम करेंगे। अभी ये सरपंच साहब ने लिस्ट बनाई है बड़ी, विश्रांति गृह कबूतर खाना अमरतिया नंदोलाई का खेड़ा, विश्रांति गृह चरण माता बड़ला, सीसी सड़क देवनान के पास, सीसी सड़क अमरतिया का झूपड़ा, सीसी सड़क सोलंकिया खेड़ा, सीसी सड़क सोलंकिया का खेड़ा की चार दीवारी तेजाजी के स्थान पर, इतिहास सीसी सड़क सतीश बाबा के स्थान पर, माता सीसी सड़क आश्रम माता जी के पास, ऐसे करके 25 काम है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम जो किया जा रहा है ये आपके आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है, और आगे भी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम सब मिलकर आपकी पंचायत को राजपुर विधानसभा में सर्वाधिक विकास कराने का भरोसा। अभी लेटेस्ट अभी नई अपडेट दी हमारे सामने, तो आज आए हैं तो पहले का काम तो गए, अब क्या दे रहे हो आप, प्रधान साहब ने 10 लाख रुपए दे दिए सामाजिक हमारे धर्मशाला के समुदाय भवन बड़ला के लिए, तो मैं आज लेटेस्ट अपडेट हमारे भाई साहब और हमारे सीआर साहब भंवर जी भाई साहब और प्रहलाद जी मंडल अध्यक्ष के आदेश अनुसार कबूतर खाना बालाजी के मंदिर के पास अमरतिया में 3 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ, और बड़ला पंचायत में सीसी सड़क के लिए जो जहाँ भी आवश्यकता होगी सरपंच साहब और कन्हैयालाल जी भाई साहब के लिए 10 लाख रुपए सीसी सड़क के देंगे, बाकी और काम हमारे बहुत सारे पेंडिंग है जो पिताज में सोलंकिया खेड़ा में घोषणा करेंगे और पैसा आई टू एंड स्वीकृत करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने सभी ने हमारी संसद की बात सुनी, मान सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद।
अब मैं सरपंच साहब को निवेदन करूँ। धन्यवाद।